चलिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ध्यान देंगे, अच्छी तरह से ध्यान देंगे। और देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमने जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है ईच एंड आर, एंड मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एच, इसके ऊपर आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से। बिकॉज इज एम आर को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले भी स्टडी कर चुके हैं ना। इज एम आर को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। आप बोल, आपकी वॉइस मेरे पास नहीं पहुंचती है, जेस्चर्स पहुंचते हैं। आप बॉडी लैंग्वेज से बोलिए, है ना। हाँ, आवाज मेरे पास, मैंने म्यूट कर रखी है। देखो आवाज का जो सिस्टम है आपका, वो मैंने रख रखा है, यूज नहीं कर रखा है। ओके, चलते हैं आगे। ये हमने पहले भी स्टडी कर लिया है, इज एम आर कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव में हमने इसको स्टडी कर लिया है। ओके, चलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपन ने सभी टाइप देखनी है, जैसे सी इज, कुकिंग फूड फॉर हर चिल्ड्रन, फॉर हर चिल्ड्रन। क्लियर। अब मैं इसकी एडवर्बियल को मैं यहां पे लिखता हूं, एट दिस टाइम। देखिए एट दिस टाइम, एडवर्बियल को मैं स्टार्ट में लिख देता हूं, एट दिस टाइम सी इज कुकिंग फूड फॉर हर चिल्ड्रन। ओके, तो आप लोग मिसगाइड ना हो, एडवर्बियल स्टार्ट में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा लास्ट में ही आए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज कुकिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म में आई एच। अब आपसे कहें अगर इसे नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट ऐड कर देंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चले जाएगी। लाइक ये हो गया सी इज नॉट कुकिंग, आगे एज इट इज, इंट्रोगेटिव में आ जाएगा इज सी कुकिंग। क्लियर। तो आप अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तुम कर सकते हो आराम से, है ना। तो इसमें हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे इसे और आगे बढ़ेंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो इज सी नॉट कुकिंग, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से एक सेंटेंस को हम एवरी सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। क्लियर, आप भी कर सकते हो ऐसा। और जो बताने की बात है वो सुनना है आपको, इसमें जो रियल जो बात है वो बताता हूं आपको। देखिए हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जैसे हिंदी लिखता हूं मैं, क्या तुम अब
शाम को नहीं खेलते हो। अच्छी तरह से ध्यान देंगे इस हिंदी सेंटेंस के ऊपर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में डबल टाइप होते हैं, एक तो स्टार्टिंग में क्या, स्टार्टिंग में अगर क्या है तो अपनी हेल्पिंग वर्ब को यहां रखेंगे, इसका इंग्लिश बन जाएगा। लाइक सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी, आर। तो इस क्या की इंग्लिश बन गई आर से। ओके, आफ्टर देन सब्जेक्ट यू, आफ्टर देन मेन वर्ब खेलना, मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, लेकिन इसमें क्या है, नहीं तो नोट। और फिर मेन वर्ब प्ले, और सॉरी रहे हो, रहे हो। खेलना हमारी मेन वर्ब है, प्ले में आई एन जी प्लेइंग। अब देखिए कौन कौन यूज हो गया है, मैं एक बार इसका शेड्यूल लिखना चाहूंगा। रुके, देखो शेड्यूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ये शेड्यूल है इसका अफर्मेटिव का, और ये है अफर्मेटिव का, और हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क आ गया इंटरोगेटिव, और नहीं आ गया तो नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव इसको बनाइए, पहले शेड्यूल को बनाइए अपने माइंड में। देखो इंटरोगेटिव के लिए इज एम आर ये शुरू में चला जाएगा, स्टार्टिंग में यहां आ जाएगा, गया। और नेगेटिव के लिए इज एम आर के साथ में यहां पे नोट लगा देंगे। तो यहां इज एम आर के साथ में नोट लगाया नेगेटिव, और इंटरोगेटिव के लिए इज एम आर शुरू में चला गया, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब चलते हैं, देखो इज एम आर सब्जेक्ट नोट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, अब क्या आएगा ऑब्जेक्ट। आपसे पूछूं, मैं पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इज देयर एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। देखिए कौन कौन से वर्ड बच गए हमारे पास में, एक तो ये बचा है और एक है, टू वर्ड्स है ओनली, अब और शाम को, क्या इनमें कोई ऑब्जेक्ट है किसी वर्ड को, अब को या शाम को आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो, नो, कंफर्मली नोट और सस्पेक्टिव नोट, कंफर्म नोट, कंफर्म नोट है ना, डेफिनेटली नोट एंड शुड बी नोट, होना ही चाहिए नोट। देखो मैं पहले बता चुका हूं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कि किसी भी चीज को आप ऑब्जेक्ट कहने जा रहे हो, ओके, तो दैट शुड बी विजिबल, विजिबल दिखनी चाहिए, दैट शुड बी टचेबल छूने योग्य होनी चाहिए, ये दो लाइक मार्कर छू रखा है मैंने, दिस इज डेफिनेटली ऑब्जेक्ट, ओके। और दूसरी बात, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें फील भी होने चाहिए, फीलिंग से भी हम उनको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ओके, ध्यान देंगे। तो शाम एक टाइम का नाम है, एंड अब नाउ, नाउ हमारा एडवर्बियल है, तो देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं है कि जो आपको दे दिया उसके पीछे लग जाओ, इसकी अंग्रेजी बना के छोड़ूंगा, इसको मैं सही कर दूंगा, ऐसे नहीं, सीखो।
एवरी वर्ड को आप पहचान जाओ, उसके बाद लिखिए। लिखने को बहुत समय पड़ा है हमारे पास, पढ़ने को भी बहुत समय पड़ा है, बट सीखने को बहुत दिक्कत आती है। क्यों? क्लास चेंज हो जाती है और हम जो माइनर लेवल की चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं बता पाते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। ओके, और नाइन्थ स्टैंडर्ड को मैं पहले कह चुका हूँ, मैं फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप मानता हूँ नाइन्थ स्टैंडर्ड को। इससे पहले आप बच्चे थे, अब आप बच्चे नहीं हो, आप सीखने के लायक हो गए हो। नाइन्थ में आ गए, सीखने के लायक हो गए हो। समझना, देखो इधर, छोटे बच्चों को तो सिखाते हैं, नहीं सीखते तो मैम मारती हैं, दे दबा दबा उनको पीटती हैं, छोटे बच्चों को पीट पीट के सिखाती हैं, है ना। आप वो नहीं हो, आपको तो समझा समझा के सिखाएंगे, नहीं समझ में आया फिर सिखाएंगे, नहीं समझ में आया फिर समझाएंगे, आ जाएगा। चलते आगे, तो बता दूं मैं आपको, जब सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो बचे हुए जो शेष वर्ड हैं इनको लिखें कैसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग? तो बता दो बेटे आपको, पहले सीक्वेंस को क्लियर करिए, उसके बाद जो भी वर्ड बच गए हों उन्हें बैक टू साइड से, इस साइड से लिखना शुरू करेंगे। अब इधर से चलेंगे, कौन नहीं आया? शाम को, इन द इवनिंग। अब कौन? अब, नाउ एंड क्वेश्चन मार्क। तो बचे हुए शब्दों को बैक साइड से लिखते हुए इधर आ जाइए, सब अपने आप लिखते चले जाओ, सीक्वेंस एकदम सही होगा। ओके, हो गया। ये बात थी इंटरोगेटिव की, जिसके स्टार्टिंग में क्या आ गया, क्या आ गया है, ठीक। और अब नाउ एडवर्बियल है हमारी, टेंस फिक्स हो गया है। अब देखिए, इसी सेंटेंस को फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। मैं इसमें से क्या हटा देता हूं, ध्यान देंगे सभी लोग, ढंग से देखेंगे, क्या हटा दिया मैंने यहां से, क्लियर। तुम अब शाम को क्या नहीं खेलते हो, और मैंने क्या को यहां लिख दिया है। देखिए बेटे, मैं इसको अलग लिखता हूं, मैंने क्या को यहां लिख दिया है, क्या नहीं, ठीक। यस, देखो मैंने क्या वहां से हटा दिया, और कहां लिखा, शाम को, तुम अब शाम को क्या नहीं खेल रहे हो, क्या नहीं खेल रहे हो, क्या कहां पे आ गया, बीच में आ गया। और जब क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, जिनको हम डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं, ये जब बीच में यूज हो सेंटेंस के, तो हमारे टेंस का, हमारे सेंटेंस का टाइप हो गया डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस। तो इस क्या की इंग्लिश बनानी पड़ेगी हमें, व्हाट, और आर का ए स्मॉल कर देंगे। देखो शुरू में क्या था, शुरू में क्या था, तो हेल्पिंग वर्ब से उसकी इंग्लिश बन गई, लेकिन क्या को हमने बीच में रखा। अब ये सेंटेंस हो गया डब्ल्यू एच वर्ड वाला, किसका हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड का। डब्ल्यू एच वर्ड क्या की इंग्लिश होती है, व्हाट, शुरू में ऐड कर दिया हमने, अभी डब्ल्यू एच वर्ड वाला बन गया है, क्लियर। फिर से एक सेंटेंस आपको दूसरा लिखता हूं मैं, ठीक है। अभी एक वीडियो इज नॉट क्लियर का मैसेज आया है, फिर से लिखते हैं, देखिए। ध्यान देंगे, वे मैं इस वक्त आपको अंग्रेजी पढ़ा
रहा हूं। क्लियर? सेंटेंस कैसा हुआ देखो, फुल स्टॉप मीन्स अफर्मेटिव और नेगेटिव। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस। सीक्वेंस क्या है? सब्जेक्ट मैं, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में, एम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखो पहचान क्या है? रहा, रही है के साथ में कौन है? पढ़ा, ना लगा के बोलो पढ़ाना, टीच आई एन जी टीच। कितनी चीजें आ गई है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इसके बाद अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था। अब बात आप पे आती है कि फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करिए, खुद कर लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए कौन कौन से हैं और किस फॉर्मूले से आपने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किए। चले आगे, अच्छी तरह देखिए। मैंने कहा था आपको सब्जेक्ट से मेन वर्ब के पास आइए। देखो सब्जेक्ट से मेन वर्ब के पास आइए, आए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। एक बार इसे क्वेश्चन करिए बीच में, अब बोलिए वापस, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। इसका आंसर जो बचे हुए वर्ड है इनमें से आना चाहिए इस वक्त आपको, और अंग्रेजी इनमें से इसका आंसर आना चाहिए। मैं क्या पढ़ा रहा हूं इनमें से, बोलिए क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट, क्या के आंसर में ऑब्जेक्ट आया ना, तो कैसा आया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन टू से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या के आंसर में जो ऑब्जेक्ट आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, निर्जीव ऑब्जेक्ट। और अंग्रेजी विषय का नाम है, हो गया नॉन लिविंग। आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन करिए। मैं किसे पढ़ा रहा हूं, मैं किसे पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे कौन है? आपको। अगेन ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। क्लियर? आपको, आपको, ये आप कौन है? लिविंग थिंग्स। आप कौन है? लिविंग थिंग्स, लिविंग, और लिविंग में आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। तो आपको ये बात पहले पढ़ा चुका हूं मैं, क्या और किसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने का। क्लियर? ये चीज हम पहले कर चुके हैं, स्टडी करिए ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें। रह कौन गया अब? इस वक्त। इस वक्त की इंग्लिश होती है एट दिस टाइम, और एट दिस टाइम इंग्लिश करेंगे तो इट्स एडवर्बियल। ये हमारी एडवर्बियल हो गई, टेंस फिक्स हो गया। अब हमें लिखना है ओनली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, शेड्यूल के अनुसार लिखना है। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब कहा था मैंने लिविंग और नॉन लिविंग डबल ऑब्जेक्ट हो तो लिविंग पहले नॉन लिविंग बाद में। लिविंग आपको, यू, नॉन लिविंग अंग्रेजी इंग्लिश,
और इस वक्त एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस वक्त, क्लियर। तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट सेंटेंस बन गया है। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो बाय द वे, तो फिर आपको रिपीट करने की आवश्यकता है, बट उससे पहले आप खुद घर पे एक बार ढंग से स्टडी करें, उसके बाद मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेशन है। ये कैसे हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको एनालिसिस करें, पहले उसको पहचानें, पहचान के बाद एक एक शब्द को तोड़ें और उनको नॉमिनेट करें, नाम दें उन वर्ड्स को, हु इज सब्जेक्ट, हु इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल्स, आफ्टर देन राइट देम इन द सीक्वेंस, उसके बाद इनको सिस्टम से लिखिए। ऐसे अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर इस टाइप से आप 5 सेंटेंसेस को इस टाइप से करके देख लेंगे, उस दिन अपने आप में आप इतना बिलीव करोगे कि यार क्या बात है, मुझे इंग्लिश आने लग गई है, आई कैन डू, आप कहना शुरू कर देंगे। और ये कहना शुरू कर दिया अपने ही मन में, या कोई करता है करते ही बन गया, सही है, या ये कहना जिस दिन शुरू कर दिया उस दिन मान लेना कि आपका करेज डबल हो गया है, और डबल करेज के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। चलते आगे, इसी सेंटेंस को मैं इंटरचेंज करने की बात करता हूँ, हिंदी हटा देता हूँ मैं इसकी, हिंदी मैंने रिमूव कर दी है। देखिए, दिस इज अवर अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, कम टू, अब आपसे कोई बोले नेगेटिव करो इसको, तो पूरे सेंटेंस को आप जो छोटी क्लासेस जो होती है, मैं आपको छोटा नहीं कह रहा हूँ, कक्षा को छोटी कह रहा हूँ, 9th क्लास में ना, अब छोटे स्टैंडर्ड वाली जो क्लासेस होती हैं उनमें क्या करते हैं, मैंने कहा चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो तुम लोग क्या करते हो पता है, टाइम क्यों लगता है तुम लोगों को, तुम पूरे के लग जाते हो, नहीं, नेगेटिव का नाम आया, नॉट यूज करना है, कहाँ करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, बस हो गया नेगेटिव। अब बात आएगी लिखने की, तो लिखते रहेंगे आराम से, आंसर तो बन गया ना, तो क्या बन गया, एम के बाद में यहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, नोट यूज कर लेंगे, नेगेटिव बन गया, बस अब लिखते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो दे दिया ना हमने। नेक्स्ट, अब कोई बोलता है आपको इंट्रोगेटिव करना है, तो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को क्या करना है, इंट्रोगेटिव करना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए तुरंत, कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में निकाल देंगे, इंट्रोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में निकाल देंगे, बस बन गया। तो हेल्पिंग वर्ब कौन, अपनी एम, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एम, एम आई टीची, आगे ऐसे कैसे रहेगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद में कोई बोलता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो नोट कहां लगाया था हमने, हेल्पिंग वर्ब के बाद, नेगेटिव में क्या लगाया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब चली गई हमारी इंट्रोगेटिव करने, भाई इसके बाद में लगाया था एम नोट, एम नोट, एम नोट, तो ये कहां थे, आई के बाद में, यहां पे था एम और नोट, तो एम यहां से निकल के चला गया इंट्रोगेटिव करने, तो नोट ये रह गया, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव एकदम इजी है, बस अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम होती है, और वो क्लियर कब होगी, जब खुद वन बाय वन सेंटेंस करके देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा विचार। अभी एडवर्बियल की बात कर रहे हैं, तो ये रहा एट दिस टाइम, एडवर्बियल है, सेंटेंस को चेंज नहीं करना है, ये सेंटेंस एज इट इज रहेगा,
हमें नेगेटिव कहा तो आई एम नॉट यहाँ यूज कर लेंगे, इंट्रोगेटिव कहा तो एम शुरू में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहा तो एम तो शुरू में आएगा इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव का नोट यहाँ एम के साथ नोट था ना वो यहीं के आ जाएगा, हो गया। इस टाइप से आप एक ही सेंटेंस को टाइप टू टाइप चेंज करते चले जाओ, कंसेप्ट आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा, तभी होगा जब आप ऐसा करोगे। अब बात करते हैं, इनको मैं हटा देता हूँ, हटा दिया इन सबको, ये मार्किंग भी हटा दिया मैंने, वापस उसी पोजीशन में आ जाओ, फिर वही सेंटेंस वही हम देखते हैं क्या करते हैं। ओके, अब मैं इस सेंटेंस में से आपको कहूँ कि इस सेंटेंस को डब्ल्यू एच में चेंज करना है हमें, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड में चेंज करना है, तो कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड यूज कर लीजिए जो इस सेंटेंस पे फिट बैठे। शुरू में क्या के लिए तो हम कर देंगे एम, आई, टीचिंग, तो ये क्या बन गया, ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया, हमें डब्ल्यू एच वर्ड में चेंज करना है। तो डब्ल्यू एच वर्ड के लिए इसमें आप डब्ल्यू एच वर्ड यूज करिए, हिंदी कंसेप्ट में यूज करिए, जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम, मैं इस वक्त आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसमें कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड यूज करेंगे जिससे आपका ये सेंटेंस ऐसे कैसे रहते हुए डब्ल्यू एच वर्ड यूज हो जाए, बोल के देखिए। देखो हर चीज का अपना अपना मीनिंग है, कोई सोचे मैं क्या यूज करूंगा, देखो मैं इस वक्त आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसमें आप क्या यूज नहीं कर सकते, क्या यूज नहीं कर सकते, बोल के देखो, नहीं बोलेगा, ठीक। देखो इसमें आप यूज करेंगे वाई, वाई यूज करिए आप, वाई मीन्स क्यों, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए तो डब्ल्यू एच वर्ड को स्टार्टिंग में हम लिख देंगे, और डब्ल्यू एच वर्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब कौन अपनी एम, एम को ले लो यहां पर, वाई एम आई टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम। अब बोल सकते हो मैं आपको इस समय अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, बन गया ना, क्या यूज करोगे तो यूज हो ही नहीं सकता, क्या यूज नहीं हो सकता, ठीक है। वैन यूज करो, वैन, वैन भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि टाइम दे रखा है, वैन के सेंटेंस में टाइम नहीं होता, क्या वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, एंड वैन के में टाइम नहीं हो सकता। ओके, इस प्रकार से हम यूज करेंगे वाई, वाई एम आई टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम। ओके, एंड यू मे ऑल्सो से दिस इन हिंदी, हिंदी में बोल के देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटे। ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगेन मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, सभी लोग लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे मैं जो रिपीट कर रहा हूं। इच एम आर, आपको इच एम आर दिखता है, डेफिनेटली आप दो बात सोचा करें, इज एम आर दिख गया, कहीं ये इज एम आर वो तो नहीं है जो पहले पढ़ चुके हैं, नहीं, तो पहले जो पढ़ा है उसमें देखो इज एम आर के जस्ट बाद क्या रहा है, टीचिंग, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन ये इज एम आर अकेला आ जाए और आई एन जी ना आए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, तो हमेशा डेस्क्रिप्टिव को और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे, आइडिया में नहीं चलेंगे। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान देंगे सब,
छोटा। अभी एक बेटे ने लिखा है कि ये डब्ल्यू एच वर्ड का सेंटेंस है ना, बिल्कुल डब्ल्यू एच वर्ड का है, क्यों है ना, वाई, तो वाई के हिसाब से डब्ल्यू एच वर्ड ही हुआ। देखिए मैं सेंटेंस देता हूँ, देखो आई एम योर इंग्लिश टीचर, आई एम योर इंग्लिश टीचर, क्लियर, आई एम योर इंग्लिश टीचर। देखिए एम कहीं आई एन जी है नहीं है ना आई एन जी, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव का सेंटेंस है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव का। और देखो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ। ये देखिए आई एम के साथ में क्या आ गया, टीचिंग, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। हो सकता है आपको अंग्रेजी बहुत जोर से आती हो, लेकिन जब तक ग्रामर आपकी कंफर्म नहीं है, आई कांट से यू आर परफेक्ट इन इंग्लिश, मैं नहीं कह सकता, बाकी तो अपने आप में तो हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये था कंसेप्ट आज के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फिर मैं लिखता हूँ, हमारे पास में अभी 5 मिनट्स और हैं, इसलिए मैं फिर और लिखता हूँ। देखिए ही इज नॉट गुड इन राइटिंग, ही इज नॉट गुड इन राइटिंग, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग इन डिस ऑर्डर, ही इज राइटिंग इन डिसऑर्डर। अच्छी तरह देखिए, हम स्टार्टिंग स्टैंडर्ड वाले जो शुरुआत में हम अंग्रेजी की जो ग्रामर में हम हाथ डालते हैं, छोटी क्लास वाले बच्चे, तो हमें बहुत सी कंट्रोवर्सी, बहुत से डाउट्स हर कदम पे मिलते हैं, लेकिन अगर उनको क्लियर करने वाला कोई हो तो हम एकदम परफेक्ट बन सकते हैं, है ना, परफेक्ट बन सकते हैं। देखिए ही इज नॉट गुड इन राइटिंग, इज आ गया और आगे क्या आ रहा है, राइटिंग, इसमें भी इज आ गया और क्या है, राइटिंग, बोलो है कि नहीं। अच्छी तरह देखिए, बता दीजिए आपको ये 100% मिसगाइड करेगा कि नहीं करेगा, 100% आपको मिसगाइड कर रहा है कि नहीं, कि इज राइटिंग दोनों में है कि नहीं। तो क्या अलग अलग टेंस है या सेम टेंस है, सेम है या डिफरेंट है, पहले कंफर्म करिए अपने आप में, कंफर्म कर लीजिए, है ना, हो गया, आर यू कंफर्म। देखो हमारा शेड्यूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ये है हमारा, इज एम आर के जस्ट नेक्स्ट आई एन जी होना चाहिए। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओनली दिस इज नॉट, ओके। लेकिन हम छोटे लेवल पे रह जाते हैं, कम अंडरस्टैंड करते हैं, या अंडरस्टैंड करते करते जो ही परेशानी आती है हम उसको डिफिकल्ट समझ के लीव दिस टॉपिक, ये कह के आगे बढ़ जाते हैं। देखो इज यहाँ पे आया है, इज के जस्ट बाद में कौन है,
नोट, नोट के जस्ट बाद में यहां पे आईएनजी होना चाहिए था, नहीं है ना, यहां पे। और दिस इज नाउन, ये नाउन है, वर्ब नहीं है, मिस गाइड कर रहा है, दिखने में हमें बहुत मिस गाइड कर रहा है। ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको पूरी इंग्लिश मैंने लिखा दी, पढ़ा दी, समझा दी, आपने कहा कि सर कंफर्म नाउ, और अचानक कोई आकर के ये सेंटेंस डाल दे आपको, तो तुम मेरे इतने कंफर्म किए हुए भी हिल जाओगे, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दोगे। जबकि मैं क्या कहूँगा, मेरे बच्चों से आप कुछ ही पूछ लीजिए, देखना एक्सीलेंट है, और तुम सारे एक्सीलेंट यहाँ आके चुप बैठ जाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार कंफर्म कर रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लें, क्लियर। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट डिस्क्रिप्टिव है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे, एक भी गलती नहीं करेंगे। देन आई विल से इन द लास्ट दैट नाउ माई क्लास इज परफेक्ट, फिर कहूँगा, मैं कहूँगा, तुम नहीं कह सकते। एंड इफ यू से, अगर तुम कहते हो कि वी आर परफेक्ट या आई एम परफेक्ट, तो फिर मैं सेंटेंस लिखूं, आंसर देंगे नहीं दे पाएंगे, फिर रुक जाएंगे आप, पहले पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा आपको, फिर मैं कहूंगा कि यू आर परफेक्ट नाउ, तब तुम कहेंगे कि सर डेफिनेटली वी आर परफेक्ट नाउ, फिर देखेंगे, चैलेंज करेंगे, आएगा मजा। ओके, अभी हमारे पास आज पार्टिसिपेंट 30 प्लस थे पहले, अभी धीरे धीरे पता नहीं कहाँ निकल गए, 26 बचे हैं, है ना। कंफर्म पूरी क्लास लेके चले बैठे, क्लास को ऐसे मिस ना करें, मजा आ जाएगा। ठीक है, आज इतना, कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टडी करेंगे, ये बहुत हो चुका आज, परफेक्ट स्टडी करेंगे कल। ओके, और इसके लिए बता दूं, डेली कक्षा में रहेंगे, अपने साथियों से बोलेंगे कि कक्षा में इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, आप उनको बोलेंगे, है ना। मुझे बोलने से बहुत अच्छा लिखा है ये एक बच्चे ने, बट आप अपने साथियों से बोलें, ताकि हमारी क्लास में जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे उतना मजा आएगा क्लास में। ओके, मैं हमेशा यही विश करता हूँ कि आप ऐसे अच्छे रहें, आप हेल्थी रहें, ताकि कंटिन्यू क्लास कर सकें। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। टाइम हो गया है, और अब आप अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको लिख लीजिए, जब तक टाइम आउट ना हो अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए आप, ताकि कल स्टार्ट होते ही अपनी प्रॉब्लम को क्लिक कर देंगे आप। पढ़ते समय मैसेज नहीं लिख सकते हम, है ना, पढ़ते समय नहीं लिख सकते, पहले लिख लिया करो घर पे रहो तब, और जो ही क्लास स्टार्ट हो, जब लोग कनेक्ट होते हैं उस टाइम में अपनी बात को लिख दिया करें, तो सबसे पहले आपकी क्लास चलेगी।